हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है मध्य प्रदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो नेम है ये है राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति, और ये जो है एक चयन परीक्षा है। इसमें एक टेस्ट होता है जिसका अगर हम फुल फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये है NMMSS। ठीक है, तो यहाँ पर 2020-21 के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इसके लिए फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके बारे में फुल डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश में जो MP बोर्ड है उसमें जो अध्ययनरत हैं, जो शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो मतलब 8th क्लास में अभी आ चुके थे 2020-21 में, जो 2020-21 में कितने में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उनके अभी जो एग्ज़ाम है 8th क्लास के हो चुके हैं और 9th क्लास में वो इस साल पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर और प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए होता है। इसमें आप SC ST और जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है ये पहले 2 मई 2021 को होने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो चुका है कोरोना लॉकडाउन वगैरह की वजह से, कोरोना की कंडीशन को देखते हुए। तो अब ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जून जुलाई तक होगा। तो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अभी 15 मई है, और भी आगे आपकी ये जो एग्ज़ाम डेट है फॉर्म फिल की एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष इसमें जो है 12,000 रुपये के मान से 9 कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 9 में 12,000, कक्षा 10 में 12,000, फिर 11वीं और 12वीं, मतलब 4 साल आपको 12,000 रुपये, ठीक है, मतलब टोटल आपको 48,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे 4 साल में। पर मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और ये जो है एक लीगल प्रोसेस है, ये जो छात्रवृत्ति है या स्कॉलरशिप है इसको मैंने भी गेन किया था, इसलिए मैं आपको इसमें पूरी डिटेल से अच्छे से बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति जो है जब मेरे टाइम पर था तो इसमें मुझे 6,000 रुपये प्रति माह मिलते थे इसमें, ठीक है। मुझे 6,000 माह, मतलब 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुझे 4 साल इसमें मिले हैं, और जो है बैंक अकाउंट में मेरे क्रेडिट हो जाते थे। और यहाँ पर जो है अब ये 12,000 रुपये देने लगे हैं अब 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें ये भी जो है कि 9वीं एवं 11वीं में आपको न्यूनतम 55% और 10वीं और 12वीं में आपको न्यूनतम जो है 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 10वीं में आपको 60% और 9वीं और 11वीं में 55% है, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट तब तक नहीं आता है, और जो आपको 12वीं की जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो छात्रवृत्ति है केवल शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है, और इसमें जो है कक्षा 7 में कम से कम आपको सी ग्रेड प्राप्त किया हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी 7th की मार्कशीट के उस बेस पर भरा जाएगा। और क्योंकि इसमें आपने 8th पास नहीं किया होता, 8th के फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं, या आपने अगर दे भी दिया है तो रिज़ल्ट अवेटेड वगैरह रहता है, ठीक है। तो इसलिए 7th के मार्क्स उसमें देखते हैं। और यहाँ पे जो है आपके फादर की जो वार्षिक आय है या आपके अभिभावक माता पिता की वो 1.5 लाख से कम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये इसमें लड़की लड़कियाँ बॉयज़ एवं गर्ल्स कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये जो है आपने इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम, और इस परीक्षा में कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इन्होंने बताया कि 7th और 8th क्लास का जो आपका सिलेबस है उन्हीं में से आपका सब्जेक्ट इसमें आएगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, परीक्षा शुल्क भी कोई नहीं है, फ्री में फॉर्म फिल हो रहा है। बस आपको जो है अपने घर बैठे, अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह भर सकते हैं तो आप उनसे भरवा लीजिए, अपने बड़े भाई बहनों से, या फिर आप जो है MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आगे हम यहाँ पर बात करें तो परीक्षा का जो माध्यम आपका इसमें रहेगा वो आपका परीक्षा का माध्यम हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम से रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप अभी इसमें एलिजिबल इसमें हैं अगर, तो परीक्षा शुल्क निःशुल्क रहेगा आपको। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपका परीक्षा का समय है ये 2 शिफ्ट में रहेगा। सुबह आपका 10:45 से 12:45 तक MAT हेतु रहेगा, और दोपहर 12 बजे से 2:15 तक इसमें जो है SAT हेतु, मतलब इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण MAT होता है और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण SAT होता है, ठीक है। 90-90 मिनट के इसमें 2 टेस्ट आपको रहेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको कैसे देने हैं वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। और दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 10:45 से 2:15 तक आपका चलेगा, ठीक है।
तो आपको इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे में आपको पेपर देना है, और पेपर के बीच में आप जो है पेपर छोड़कर नहीं जा सकते, आपको पूरा दोनों जो पेपर हैं वो आपके एक साथ ही होंगे 3 घंटे के अंदर, ठीक है। और इसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम अगर क्वालिफाइड करना है तो 40% अर्हता यानी 72 अंक प्राप्त करने होंगे, और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जन वर्ग वगैरह जो हैं इनको 32% अंक अर्थात 58 अंक प्राप्त करने होंगे मिनिमम इसको पास करने के लिए। अधिकतम अंक जो है 90 90 नंबर के दोनों टेस्ट इसमें रहेंगे, और 90 मिनट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप कक्षा 8वीं में हैं और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है कि आपको 4 साल महीने के 1,000 रुपये मिलते रहेंगे, और वो भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो आप वहाँ से जो है निकाल कर अपने यूज़ कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में कोचिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इनको। यहाँ पर हम बात करेंगे तो SAT और MAT क्या है, तो इसका जो है डिटेल सिलेबस भी दिया है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है। आप अपनी जो 7th और 8th की बुक्स हैं उनको निकाल लें, मैथ वगैरह की, मैथ सोशल साइंस साइंस, ठीक है। तो आपका पूरा ये सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो 90 प्रश्न आएंगे उनमें जो है जाता वर्गीकरण श्रृंखला आकृति अवबोधन छुपी हुई आकृतियाँ, इसमें मतलब आपका जो है ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो आप जो है घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, आप कोचिंग वगैरह भी ले सकते हैं किसी से, तो ये आपसे पूरे कंप्लीट आप इनको कर लें, बहुत इजी इसमें क्वेश्चन पेपर आता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका अगर कोई गलत हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे 180 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं 180 मिनट में, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता का जो आपका सिलेबस है इसमें 90 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 35 प्रश्न आपके विज्ञान के रहेंगे और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, यानी कि आपके 35 जो क्वेश्चन है वो साइंस के आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के आएंगे, और इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो आपको ये तीनों आपका 90 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिलाकर, और 90 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के आएंगे, तो रीजनिंग और जो है आपका साइंस सोशल साइंस और मैथ टोटल आपके 90 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, तो आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह अगर कहीं से मिलते हैं तो आप उनको देखें, या फिर जो बुक्स वगैरह मार्केट में अगर अवेलेबल हैं तो आप उनके माध्यम से भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया और प्रवेश पत्र की प्राप्ति कैसे होगी, तो इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप जो है www.mponline.government.in के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने घर बैठे, या फिर आप MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं 15 मई के पहले, ठीक है। या फिर आप जो है अगर डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, अगर हो जाती है तो आप जो है बाद में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे आपको पर मंथ आपको फ्री में एग्ज़ाम पेपर देने मिल रहा है, और आप ही के ज़िले में आपका ये जो एग्ज़ाम है ये हो जाएगा। आपको सिंपली बस पेपर देना है, और यहाँ पर जो है आपको जाति प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो भी हों वो आप यहाँ पर ले जाएं, तो MP ऑनलाइन के माध्यम से भर लें, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर हो जाएगा, शुल्क कोई रहेगा नहीं, और मूल्यांकन जो है यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप सोचें कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपको लगता है मेरे मार्क्स कम आए हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम की रीचेकिंग करवाएं, तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। और परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, और ये जो पेपर है परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुँचना होगा, और किसी भी प्रकार की किताब या कॉपी शेड्यूल मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उत्तर सीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। आपको जो है पेपर मिलेगा, और ये पेपर ऑफलाइन है, मतलब पेपर आपको दिया जाएगा और एक कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको जो है गोले रहेंगे 4, तो हर प्रश्न के 4 गोले रहेंगे, तो आपको एक गोला उसमें से भरना है जो भी आपका सही होगा, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा रहेगा आपको, और इसमें प्रवेश पत्र ले जाना है आपको, और केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, आप कोई भी ब्लू या ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, और साथ में अपना एडमिट कार्ड, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है, पानी वगैरह भी आपको वहीं पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पानी की बॉटल भी कैरी कर सकते हैं, कोरोना लॉकडाउन के उससे मतलब कोरोना के जो केसेस हैं उस हिसाब से आप अपनी पानी की बॉटल ले जाएं कैरी करके, अगर वो आपको देते हैं इजाज़त तो आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा पूरा कुछ आपको यहाँ से देख लेना है, ये जो है ये PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर इस PDF की जो है डाउनलोड करके भी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं सिलेबस वगैरह, और यहाँ पे क्या टाइमिंग किसकी रहेगी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना जो मैंने बताया इतना आप कर लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर अभी हो जाएगा। अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह भी लगा हुआ है, और जो है सभी जगह अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कम से कम आपका ये जून या जुलाई तक एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास 1-2 महीने हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप पर मंथ 1,000 रुपये इसमें आपको जो है
स्कॉलरशिप इसमें मिलती रहेगी आपको 12th तक, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैंने भी ये स्कॉलरशिप मतलब मुझे मिली थी 12th तक, तो ये लीगल है सारा कुछ और इसमें मिलती है, और एग्ज़ाम क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।